देश के साथ साथ आगरा में भी आज सूर्य ग्रहण का असर दिखेगा। सूर्य ग्रहण का क्या समय रहेगा, इस पर मनकामेश्वर और कैलाश मंदिर के महंत ने जानकारी दी। दीपावली के दूसरे दिन ही सूर्यदेव भी ग्रहण की चपेट में आ गए। देश के साथ साथ आगरा में भी सूर्य ग्रहण का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 5:32 तक रहेगा। मंगलवार शाम 5:42 पर सूर्यास्त के साथ सूर्य ग्रहण का मोक्ष होगा। मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी और कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरी ने जानकारी दी। आज मंगलवार को 25 तारीख को लगने वाला सूर्य ग्रहण, जिसका सूतक सुबह 4:31 पर प्रारंभ होगा और जिसका ग्रहण काल शाम को 4:31 से 5:57 तक रहेगा। आपको दर्शन कराना चाहूंगा, ये जोधपुर का पंचांग है मेरे हाथ में और जोधपुर के पंचांग की हमारे इस तरफ में मतलब आगरा शहर में हम लोग इसको मान्यता देते हैं और इस जोधपुर के पंचांग में यहाँ पर 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण के साथ में यहाँ पर सुबह 4:30 लेकर के शाम को 6 बजे तक सूर्य ग्रहण की व्यवस्था रहेगी, जिसमें सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 4:30 से लग जाएगा और शाम को 4:30 से लेकर के 5:50 तक इसका स्पर्श काल रहेगा और मोक्ष इसका 6 बजे के लगभग होगा। तो लिहाजा आप सूर्य ग्रहण में आप लोग इससे बच करके चले। सोमवार की रात 3:13 से सूतक काल शुरू हो गया। अलग अलग राज्यों के शहरों में ग्रहण के समय का थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। प्रिय भक्तों, इसमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप सभी इस सूर्य ग्रहण के समय आप किसी भी मंत्र का जाप आदि कर सकते हैं। आप अपनी रसोई को भी बंद रखें और जो भी रसोई में खाद्य पदार्थ सामग्री है उसमें आप तुलसी दल या कुसा आदि उसमें वस्तु जो भी वस्तुएं हैं खाद्य पदार्थ से संबंधित उसमें सब में वो रख दें। और एक सावधानी और है, जो घर में महिलाएं हैं उन महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं गर्भवती हैं उनको घर से बाहर ना जाने दें, वो ग्रहण को न देखें। और जो बुजुर्ग हैं घर के, जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी आप घर के अंदर रखें। कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को इस साल अमावस्या की तिथि का दूसरा और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि समाप्त होने पर लग रहा है। दीपावली पर सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग 27 साल पहले 1995 में बना था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के साथ चंद्रमा, शुक्र और केतु रहेंगे। ग्रहण के समय कौन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण पर सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। सूतक के बाद सोना भी वर्जित रहता है। घर के मंदिर का पट भी नहीं खोलना चाहिए। पका हुआ भोजन रखा हो तो उसे ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसी वस्तु को काटना या सिलना भी नहीं चाहिए। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।